हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और ये शाम का समय है और अभी मैं कपड़े आई थी छत पर फोल्ड करने के लिए, और घर में बहुत सारे कपड़े हो गए थे इकट्ठा फोल्ड के लिए। करीब मैं 2 दिन से कपड़े फोल्ड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए छत पर जहाँ देखो तहाँ कपड़े कपड़े दिख रहे थे। तो दोपहर का खाना पीना होने के बाद दोस्तों, थोड़ा देर आराम करने के बाद मैं यहाँ पे चली आई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए। और छत दोस्तों कपड़े फोल्ड की मैं, और यहाँ पे झाड़ू लगाया, ये सब पूरा गंदा हो चुका था, पूरा धूल धूल सा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया है, कपड़े लाई थी वो भी फैला दिया है। बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे फोल्ड करने के लिए, और ये साड़ियों को मुझे नीचे लेकर चलना है, इनको भी मैंने फोल्ड कर दिया है, इसी बाल्टी में रखते हैं। और पूरा घर जो है गंदा हो गया था दोस्तों, पूरा घर सब मैंने झाड़ू लगा दिया है, दरवाज़ा भी बंद कर दिया है। ये देखिए यहाँ दरवाज़ा बंद कर दिया है, झाड़ू मैंने लगा दिया है। अभी चलती हूँ नीचे और अपना काम जो है और जो मैं करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सब आइए भुट्टा खा लीजिए। तो यहाँ पे सीमांश जो है भुट्टा भुना हुआ था। बहुत ज्यादा गर्मी लग गई। और ये देखिए दरवाज़ा दोपहर में ही लग गई है। और अभी हमको यहाँ पे मिट्टी जो है डलवाना है, यहाँ पे मिट्टी डलवाएंगे तब हम लोग नीचे उतर के जा पाएंगे। और जब नीचे हो जाएगा ना मिट्टी, तो कपड़े पड़े डालने का झंझट मैं यहीं पे कर दूँगी, ऊपर जाने का कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, दरवाज़ा खुल गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आप लोगों को अच्छा अच्छा ब्लॉग दिखाऊंगी, जब खेतों में धान वान बैठेगा ना तब मैं आप लोगों को नज़दीक से जा कर के दिखाऊंगी। पूरा जब हरियाली होगा तभी मैं बाहर जा कर के आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे भी बहुत मन हो रहा था कि बाहर निकल कर के वीडियो बनाऊँ, तो हम आगे तो नहीं जा सकते हैं लेकिन पीछे जो है निकल कर के जा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो कभी ना कभी जाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए अब भुट्टा खाते हैं, तो आप लोग भी आइए खा लीजिए दोस्तों भुट्टा। ये देखिए नींबू उम्बू मार के भुट्टा खाने के बाद दोस्तों, ये बर्तन जो है सूख चुकी थी, अब इसको हमें स्टैंड में लगा देना है। और यहाँ पे मैं बर्तन जो है लगा दे रही हूँ। तो अभी मैं किचन साफ़ कर रही हूँ दोस्तों। खाना पीना सबका शाम वाला हो चुका है, और जहाँ तक होता है तहाँ तक मैं पूरा किचन का काम निपटा कर ही सोती हूँ दोस्तों।
खाना पीना भी हो चुका है, हस्बैंड जी हैं नहीं घर पे, गए हैं बारात, बहुत सारी शादियाँ पड़ी हुई है तो बारात गए हैं। यहाँ पे शिवा खाना खा रहा है, शिवा बाद में खाया, ये देखिए शिवा हेलो बोल दो। तो शिवा खाना खाया बाद में, पढ़ाई कर रहा था दोस्तों, उसका एग्जाम जो है चल रहा है। अभी कितना पेपर बाकी है? अभी दो पेपर बाकी हुई है। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है दोस्तों कुछ खास ब्लॉग नहीं रहता है, लेकिन क्या करूं, और ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाती हूँ, मन भी नहीं होता है कुछ शूट करने का। जब भी कुछ मन होता है कि करूं तो फिर सोचती हूँ रहने दो। तो बस वही है घिसा पिटा ब्लॉग, जो भी है सो रियल है दोस्तों। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बोल दो शिवा। बाय बाय, गुड नाइट।